मॉर्निंग गाइस और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं हूं भूपेंद्र, और जो कि ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का गैलवे शॉप का ऑनर हूं। और आप देख रहे हैं ऑल थिंग वन चैनल हब। दोस्तों तो स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो को, और आप दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखते ना भूलना, क्योंकि मैं आज छत्तीसगढ़ के बेमेतरा डिस्ट्रिक्ट के ग्राम कवरेजरा में आ गया हूँ दोस्तों। और बात करो कि मैंने पिछले साल इस गांव के किसान भाइयों के लिए कैंपेन लगाया था, और मैंने ग्लेस ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट के प्रोडक्ट को, जैसे गैलवेज का ब्रांड है, तो उस ब्रांड के प्रोडक्ट में दो कैटेगरी है, एक है उर्वरक और दूसरा है कीटनाशक, जो कि दोनों कैटेगरी में दोस्तों जो प्रोडक्ट है वो पूरा तरह से जैविक है। तो मैंने उनको जानकारी दिया था, जैसे कि उर्वरक कैटेगरी मैंने जानकारी दिया था जीसी पावर है, जी बायोहोमिक है, जीसी लिक्विड है और जी अमीनो है, ठीक है दोस्तों। और मैंने कीटनाशक कैटेगरी में प्रोडक्ट की जानकारी दिया था, वो है जी डर्मा है और जी सीडो, ठीक है दोस्तों। तो बहुत सारे किसान भाइयों में से कुछ किसान भाइयों ने मेरे बातों को जानकारी लेकर विश्वास किया और अपने खेतों पर इस्तेमाल किया। तो जैसे कि मैं आज मेरे साथ है किसान भाई, जो कि उनके, मैंने जिनको प्रोडक्ट दिया था वो उनके पापा थे, लेकिन वो तो नहीं है, उनके लड़का है। तो चलिए हम उनको बुलाते हैं, तो शुरुआत करते हैं, देख सकते हैं देख सकते हैं दोस्तों। तो बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम हरि नारायण साहू। हरि नारायण साहू, इधर आ जाइए। तो ये देख सकते हैं दोस्तों किसान भाई हमारा, ये है हरि नारायण। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इस्तेमाल करवाया था इस पूरे खेत में, ये है जीसी पावर, ठीक है दोस्तों, जो कि उर्वरक कैटेगरी है, जैविक का ही है। और इसके साथ साथ हमने और उर्वरक ग्रोथ प्रमोटर, ये है जी अमीनो इस्तेमाल किया था, और इसके अलावा हमने इस्तेमाल किया था, ये देख सकते हैं अगला प्रोडक्ट है हमारा गैलवे ब्रांड का जीसी लिक्विड, और तीसरा प्रोडक्ट है दोस्तों जी बायो हुमिक, ठीक है, ये देख सकते हैं। और कीटनाशक कैटेगरी में हमने प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया था, वो है जी सीडो है, देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं दूसरा प्रोडक्ट है, ये है कीटनाशक जैविक के रूप में ही है, ये है जी डर्मा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम इस किसान भाई से कुछ यहाँ के जितने भी हमारे प्रोडक्ट हमने इस्तेमाल करवाए थे उनके खेतों में, तो उसका हम फीडबैक अब लेने जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने क्या है पिछले 10 सालों से क्या किया है दोस्तों, रासायनिक खादों को क्या किया है, इस्तेमाल किया है। तो ठीक है, तो हम जैसे कि हम इनसे अब बात करने जा रहे हैं, तो बताइए किसान भाई आपने क्या क्या प्रोडक्ट को पहले इस्तेमाल किया अपने खेतों में? पहले हमने हमारे खेत में जीसी पावर का इस्तेमाल किया, देखिए दोस्तों ये रहा जीसी पावर, और इसको हमने खेत में ऐसे कर छिड़का भी था, और इससे इस्तेमाल करने से एक बीज के फुटाव के रूप में बहुत सारा अनेक पौधे मिले हमको, और तना मजबूत व हाइट में भी बढ़ोतरी मिली। महीने बाद अचानक हमारे खेत में छितरी बीमारी आ गई, उसको कंट्रोल करने के लिए हमने जी डर्मा, देखिए दोस्तों यार ये रहा जी डर्मा, और एक छोटा सा और है ये रहा जी अमीनो, हमने इसका उपयोग किया। फिर जो हमारा खेत में बीमारी आ चुका था, हमने उस बीमारी पे कंट्रोल कर लिया, फिर हमारा धान जो है स्वस्थ और हरा भरा हो गया था। उसके बाद बताइए किसान भाई, जैसी आपका छितरी बीमारी है ना, आपने ये डर्मा इस्तेमाल करने के बाद ठीक है, ठीक हो गया बता रहे हैं, जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों ये रहा हमारा जी अमीनो और जी डर्मा को इन किसान भाई ने इस्तेमाल किया, और हमारा छितरी बीमारी ठीक हो गया। उसके बाद आपका क्या खेत में क्या हुआ और बताइए आगे? अचानक दो महीने बाद मौसम खराब हो जाने के कारण शीत ब्लास्ट आ चुका, देखिए हाँ, तो देख सकते हैं दोस्तों इधर। इन्होंने बता रहा है कि अचानक से खेत क्या हुआ, मौसम परिवर्तन हुआ, और जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों जो भी बीमारी होता है मैक्सिमम क्या होता है, मौसम के परिवर्तन होने की वजह से होता है। कि जैसे क्या था, अचानक से मैंने खुद खेतों पर आया था, देखा था खेत बढ़िया स्वस्थ था, पूरे हरा भरा था, लेकिन अचानक एक ही रात में क्या हुआ, मौसम क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, बारिश हो गई और पूरा क्या हो गया, बदली छा गई। तो इस वजह से क्या हो गया, रात में क्या हो गया, इसमें खेतों में कीड़ों का आक्रमण हो गया दोस्तों, और हमारे सामने अगले सुबह मॉर्निंग में ही शीत ब्लास्ट, जो कि आप अभी भी देख सकते हैं दोस्तों ये हमारे खेतों में नज़र आ रहा है, जो कि अभी इस प्रोडक्ट इसको रोकने के लिए हमने इस्तेमाल के रूप में जी सीडो को, और ग्रोथ प्रमोटर है जी बायोहोमिक है, और जी सी लिक्विड को इसको पूरे खेतों में आप देख सकते हैं हमारे खेतों पे पूरे इस्तेमाल
किया था, आप देख सकते हैं अभी भी दिख रहा है। ठीक है, तो आपने शीत ब्लास्ट को रोकने के लिए क्या क्या इस्तेमाल किया था किसान भाई, बताइए हमें। देखिए दोस्तों, ये रहा जी सीडो, हमने इसे इस्तेमाल किया था। और दो छोटे छोटे और दवाई है, ये रहा जीसी लिक्विड और ये रहा जीसी बायो, हमने इसे इस्तेमाल किया और हमारे धान का बालिया जो है ये एकदम स्वस्थ है। ठीक, तो देख सकते हैं दोस्तों, इन्होंने बता रहे हैं कि शीत ब्लास्ट आने के बाद हमारे, देख सकते हैं गैलवे ब्रांड का ये है कीटनाशक कैटेगरी में, इस ये भी जैविक है दोस्तों, जिसके अंदर इसका नाम जो है जी सीडो, देख सकते हैं इसका सीडो मोनास बीवियर है इसका नाम। ठीक है दोस्तों, और इसके अंदर जीवी जीवाणु रहता है दोस्तों, जो कि वो पूरा डालने के बाद वो रोकथाम करता है सारे कीड़े के आक्रमण के लिए। ठीक है, और इसके साथ हमने और ग्रोथ प्रमोटर के लिए के रूप में, ठीक है, हमारे धान का बाली को बढ़िया मजबूती मिले और फसल अच्छे बीजों में साइज बड़ा हो, उसके लिए हमने जीसी लिक्विड को इस्तेमाल किया था। और साथ ही साथ देख सकते हैं ये रहा बायोबिक। तो चलिए दोस्तों, हमने तो इन सारे प्रोडक्ट को आपको बता दिया और इसका प्रैक्टिकली के रूप में हमने सारे प्रोडक्ट का ये आपको रिजल्ट हम इन्हीं खेतों में आपको दिखाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये रहा हमारे खेत में आ गए हैं, और ये देख सकते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं ये बाली है, देख सकते हैं मैं तोड़ के दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये रहा, ये हमारा शीत ब्लास्ट में ऑलरेडी हुआ है, देख सकते हैं ये इसका लक्षण अभी भी। लेकिन ये क्या है, दवाई डालने के बाद इन्हीं प्रोडक्ट को ये क्या हुआ, रोकथाम हुआ है। और रोकथाम होने के बाद देख सकते हैं हमारा अभी भी ये बाली जो है स्वस्थ है, देख सकते हैं पूरा पक गया है। अब ये देख सकते हैं दोस्तों, तो हमें आप जान सकते हैं कितना हमारा प्रोडक्ट में दमदार क्वालिटी है, और ये जो है इसको धान को एक भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा पाए हमारा धान, देख सकते हैं पूरे धान स्वस्थ हैं दोस्तों। तो इस तरह से देख सकते हैं दोस्तों, वाकई में ये शानदार है ये प्रोडक्ट, और इसके जो इसके जो रिजल्ट हैं आप पूरे खेतों पे देख सकते हैं कितना अच्छा है। और शीत ब्लास्ट आने के बावजूद भी आपको पूरा खेतों पे नज़र आएगा कि आपका किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है। तो आप खुद बताइए आपका कैसा महसूस हो रहा है आपको ये खेत को देख के यूज करने के बाद। मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि मेरे खेत के जो बीमारी जो है वो कट गए है, इसको देख कर मैं ठीक है। तो ये बता रहे हैं बहुत ही खुश हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो मेरा अब इनसे कुछ फाइनल क्वेश्चन करने जा रहा हूं दोस्तों, वो की है जैसे कि मैं बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में, ये जो किसान भाई है पिछले 10 सालों से, ठीक है, रासायनिक खादों का इस्तेमाल कर रहा है, तो हम चलिए उसको, ये हमारे जो गैलवे ब्रांड का प्रोडक्ट है जो कि पूरा कंप्लीटली जैविक है, तो इसमें यूज करने के बाद उनको क्या फर्क नज़र आया और रिजल्ट में क्या महसूस हुआ वो हम पूछते हैं। तो मेरा आपसे पहला सवाल है किसान भाई कि आप बताइए मुझे कि क्या आपको कभी महसूस हुआ कि पिछले 10 सालों से आपने रासायनिक खादों का इस्तेमाल किया था, तो आपको क्या लगता है उसको उसके मात्रा में आपको क्या बढ़ोतरी देखने को मिली? हाँ हाँ, तो देख सकते हैं दोस्तों, ये बता रहे हैं कि रासायनिक खादों को इस्तेमाल करने के बाद क्या हो गया। पहले क्या था, मैं जैसे कि आपको हमेशा बताता हूँ कि हरित क्रांति आने की वजह से क्या था, उस समय हमारे जो परंपरागत खेती होती थी उस समय अचानक से जनसंख्या वृद्धि होने की वजह से और भुखमरी घटाने के लिए हमें हमारे किसान हमारे जो वैज्ञानिक थे डॉक्टर स्वामीनाथन, उन्होंने हरित क्रांति को 1967 में भारत में लाया और उसको हमने पूरे भारत में रासायनिक खाद को लेके आया। लेकिन उसका उत्पादन उस समय बहुत अच्छा था और उन्होंने बोला भी था कि इसको अभी तो रिजल्ट मिलेगा लेकिन भविष्य में इसके दुष्परिणाम देखने को मिलेगा। उन्हीं के वजह से आज हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों कि इनको अभी ये बता रहे हैं कि अब हमें जो भी जो रासायनिक खादें हैं, जैसे कि आप क्या क्या इस्तेमाल करते थे, यूरिया डीएपी, ठीक है, तो ये देख सकते हैं यूरिया डीएपी पोटास ये सब इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है, ये उनके मात्रा को ज़्यादा डबल डाल रहे हैं उतने ही फसल लेने के लिए। ठीक है, मैं इनसे अब अगला सवाल करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप मुझे ये बताइए क्या लगता है आपको, इतने 10 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं रासायनिक कीटनाशकों को, तो इस्तेमाल करने से आपके खेतों में जो कीड़ों का आक्रमण है, ठीक है, और बीमारियों का स्तर बढ़ा है क्या, बढ़ा है स्तर आपका बीमारी और कीड़ों का आक्रमण आपका अभी एट प्रेजेंट का जो इस्तेमाल कर रहे हैं कीटनाशक जो पहले इस्तेमाल कर रहे थे कीटनाशक में, तो आप हम कैमरे में बताइए हमारे जितने भी किसान बढ़ गए हैं अभी तो देख सकते हैं ये बता रहे हैं कीड़े का और वो प्रकोप क्या है, बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है दोस्तों, क्योंकि आप बताने जा रहा हूँ आप रासायनिक यूज करेंगे क्या होता है, उससे क्या होता है पौधों का जो प्राकृतिक रोग क्षमता है
वो क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। इसके वजह से हमारे पौधों में क्या हो जाता है, कीड़ों का और बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है। लेकिन हम जैसे कि हम बताए हैं, इतने सारे देखो शीत ब्लास्ट आने के बावजूद भी हमने जब जैविक प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया, उन्होंने रोकथाम किया और उसके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया। दोस्तों तो आप देख सकते हैं इतने प्रोडक्ट क्वालिटी है, आप इसको देखकर ही समझ सकते हैं और प्रैक्टिकली आपको दिखा भी दिया हूँ। ठीक है, अब हम इसको इनको आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्या लगता है आपको, इतने सालों से महसूस हुआ होगा इस्तेमाल कर रहे हैं रासायनिक का, आपके पौधों के गुणवत्ता कैसा है और आपके जमीनी लागत है, ठीक है, उत्पादन लागत फसलों के लिए वो क्या बढ़ा है? ठीक है, तो ये बढ़ा है ठीक है, तो ये बता रहे हैं बढ़ा है करके। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि इनको पौधों में क्या है गुणवत्ता, जैसे कि हम बताते हैं दोस्तों कि हम जैसे हम परंपरागत खेती करते थे हमें परदादा के समय, तो हमें वो पौष्टिक खाना मिलता था दोस्तों, हमें वो स्वाद महसूस होता था, हमारे सारे प्रकार के पोषक तत्व है, मिनरल्स है, विटामिन है, ठीक है, हार्मोन्स है, ये सब सारे हैं हमारे, जो मैं हमेशा बताता हूँ अपने वीडियो में कि हमारे भोजन को खाने के लिए हमें पोषक तत्व जो है 16 प्रकार का वो हमें मिलना चाहिए। लेकिन ये रासायनिक खादों का इस्तेमाल करने की वजह से हमें नहीं मिल पा रहा है दोस्तों। तो मैं बताना चाहूँगा आप इनको इस्तेमाल करना स्टार्ट करें ताकि आप भी स्वस्थ रहें, आपका परिवार भी स्वस्थ रहे। क्योंकि अभी भी मैं हमेशा बताते रहता हूँ, कोरोना चल रहा है, कोरोना में मैं बार बार सरकार और WHO जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमेशा बात करते हैं दोस्तों, आपके इम्यूनिटी सिस्टम को क्या करें, स्ट्रांग करें। और जो कि मैं बताता हूँ कि दोस्तों आपका इम्यूनिटी सिस्टम रहेगा स्ट्रांग तभी आप क्या करेंगे, रोगों से लड़ जाएंगे। उसी प्रकार से हमारा खेतों का केस में क्या था दोस्तों, अगर हम जैविक इस्तेमाल करेंगे तो उसका रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होगा, बढ़ेगा और वो बीमारियों से लड़ पाएंगे और हमारे खेतों पे किसी भी प्रकार का कीड़ों का आक्रमण और बीमारी नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम आगे बात करते हैं अपने किसान भाई को चौथा सवाल के लिए। तो अब बताइए किसान भाई, क्या आपने कभी महसूस किया कि इतने 10 सालों से अपने रासायनिक खादों का इस्तेमाल करने से आपका जो ज़मीन है, ठीक है, बंजर होती जा रही है? हाँ, तो वो कैसे होती जा रही है, मतलब ऐसे क्या चीज़ें हैं जिसे हम जान सकें कि बंजर होती जा रही है? पहले जैसे क्या था, जैसे जमीन में पानी डालते ही पानी अंदर की सूख जाता था। हाँ, और अभी जो है जमीन में पानी डालते ही वो ठहर जाता है। हाँ, तो देख सकते हैं पहले क्या होता था, पानी जो था जमीन पे डालते ही क्या हो जाता था, वो उसका जो सोखने का क्षमता था वो ज़्यादा था और वो तुरंत पानी को सोख लेता था, लेकिन अभी ठहर जाता है। उसके वजह से क्या होता है, उसका नमी नहीं बन पाती और ह्यूमस नहीं तैयार हो पाता, इसके वजह से क्या होता है वो ज़्यादा विकसित नहीं कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने लास्ट सवाल की ओर, वो है जो कि पांचवा सवाल है। क्या आपने कभी महसूस किया किसान भाई कि आपका जो रासायनिक खादों के इस्तेमाल करने से आपके जो ज़मीन का उर्वरा शक्ति है वो ह्रास हो रहा है? आपने कभी जैसे कि हम बात करते हैं जो किसान का, ठीक है, किसान का जो मित्र क्या कहलाता है, केचुआ, वो कभी आपको रासायनिक खादों के इस्तेमाल करने की वजह से आपको मरते हुए दिखाई दे रहे हैं या आपको पूरे खेतों पे अब दिखना बंद हो गया, ऐसा कभी हुआ है? हाँ, तो देख सकते हैं इन्होंने बता रहा है कि हमारा जो केचुआ है, जो कि हम बात बताते हैं, वो किसान का क्या कहलाता है दोस्तों, मित्र कहलाता है। और वही जो है केचुआ जो है वो क्या करता है, पौधों के नाइट्रोजनीकरण के प्रक्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तब जाके उसका साइकिल पूरा होता है और हमारे फसल जो है बनकर तैयार होते हैं और हमें बीज प्राप्त तो होता है दोस्तों। तो ये देख सकते हैं, तो आपको अब ये देख सकते हैं हमारा खेत पूरी तरीके से अभी कैसे है स्थिति, आप देख सकते हैं ये हमारा पूरा खेत देख सकते हैं कितना शानदार है दोस्तों, कितना बेहतरीन रिजल्ट मिला है हमको। तो मैं ये दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो बिल्कुल दोस्तों हमारे ये वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। और अगर आप ये चैनल में नए होंगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन, ताकि मैं आपको इसी तरह का वीडियो आपके लिए लेता आता रहूं। और एक लास्ट फाइनल क्वेश्चन मैं अपने किसान भाइयों को पूछूंगा कि आप बता सकते हैं आपका ये प्रोडक्ट जैसे आपने इस्तेमाल किया, आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं और क्या लगता है आप अपने आने वाले समय में अपने मित्रों, किसान भाई मित्रों को भी बताना चाहेंगे और क्या क्या फायदे लगा, आप बताइए। हाँ, मैं अपने सभी किसान और मित्रों भाई को अपने ये दवाई दूंगा। बिल्कुल ठीक है, तो ये बोल रहे हैं अपने किसान भाइयों को मित्रों देंगे। और आपको क्या लगता है, ये आपका जैविक है तो आपके शारीरिक रूप से आपको बेनिफिट मिलेगा, आप स्वस्थ रहेंगे, आपका फैमिली भी स्वस्थ रहेगी।
रहेगी। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, गो गैलवे, जय हिंद।